चलिए इसको पार्ट टू हम लोग कर लेंगे। ये हम लोग थे, पहली प्रिपरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कोई नंबरिंग नहीं, खाली बस हेडिंग करेंगे मैन्युफैक्चर, और उसके बाद मैन्युफैक्चर में देखिए कितने 5 मेथड हैं। और ये हम लोग कह रहे थे कि अब मैन्युफैक्चर में क्या होगा, थोड़ा पैसा बचाएगा, पैसा बचाएंगे हम लोग। तो पहला जो मैन्युफैक्चर आ रहा, बाय द कैटलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। पूरे ऑर्डरिंग पे ये वर्ड कहीं आते ही नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन कैटलिटिक। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें कौन सा यूज करते हैं, हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। ये क्या होता है, कॉपर एट 300 डिग्री सी इज कॉल्ड हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। तो पूरे जहां भी कॉपर दिखाई पड़ा आपको ऑर्गेनिक में, तो यही रिएक्शन बोलेगा फिर कैटलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। क्या होता है, तो इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम विच कंपाउंड एल्कोहल। तो फिर वही फिनोमेना चल रहा है, ये वाला वही फिनोमेना फिर रिपीट हो रहा है, खाली नाम चेंज हो रहा है। अगेन वी आर, ये ऑक्सीडेशन ही तो है, डिहाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, खाली नाम चेंज हो रहा है। पहले इसको ऑक्सीडेशन कह रहे थे, अब इसी को कैटलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। रिएक्शन सेम है, डिहाइड्रोजनेशन किसके साथ, हॉट रिड्यूस कॉपर। क्या होता है ये, कॉपर एट 300 डिग्री सी, कॉपर एट 300 डिग्री सी। तो ठीक है, अब एसीटोन बनाना है तो कौन सा एल्कोहल ले लें, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करिए, राइट द स्टेटमेंट, हेडिंग करिए बाय द कैटलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। प्रिपरेशन नंबर 3 हो जाएगी ये, बाय द कैटलिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। देन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल CH3, CHOH, देन CH3 किसके साथ हीटअप कर दें, कॉपर के साथ। टेम्परेचर हाँ बोलते रहिए तो आपको याद हो जाएगा, 300 डिग्री सी। तो बस सिंपली इसका ऑक्सीडेशन करा दें, एसीटोन बन जाएगा CH3, COCH3। हाँ प्लस क्या निकाल दें, H2 निकाल दें, इसलिए इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। फिर प्रिपरेशन नंबर 4, देन प्रिपरेशन नंबर फोर हेडिंग करिए बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन हेडिंग करके फिर हमको सुनिए। पहले हमारे पास एल्कीन है, किसी भी एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन कर दें, किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या होगा, नहीं एल्कोहल नहीं बनता, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से, एल्कीन से हाँ, अरे भाई ओजोनोसिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन ना, ये बनता है COH, ग्लाइकॉल बनता है, केमनोफोर डालते हैं ना, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से ग्लाइकॉल बनता है, ऐसे कॉपी कर लीजिए, एल्कीन ऑक्सीडेशन ग्लाइकॉल, एल्कीन ऑक्सीडेशन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। जब इतना आपको याद रहे, ग्लाइकॉल किसको कहते हैं, बगल बगल आ जाता, बहुत अच्छा, जब दो ओएच 1, 2, 2, 3, 4, 5 अगल बगल जब ओएच आता है तो इसी को ग्लाइकॉल कहते हैं,
है ना, इट इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डाईऑल, इसको डाईऑल भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों ओएच कहाँ होना चाहिए, एडजेसेंट पे होना चाहिए, और अगर अलग अलग हो गया तो डाईऑल तो है लेकिन ग्लाइकॉल नहीं है, वो नहीं, वो हैलाइड्स में होता है, इसमें नहीं होता है, अल्कोहल में नहीं होता, ठीक है, ग्लाइकॉल बनता है। फिर हमको ये लर्न करना है, कोई एल्कीन है PDCl2, याद आया कुछ? हाँ बहुत अच्छा, PDCl2 एंड CuCl2, ये भी कॉपी करिए, एल्कीन फिर एरो पे लिखिए PDCl2 ऑब्लिक CuCl2 कॉपर क्लोराइड, पैलेडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, ये क्या है? तो अभी जो शिष्य ने बोला वर्ड्स में लिखे पार्शियल ऑक्सीडेशन, लिखे पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या देता है? तो लिखिए एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब हमें कीटोन बनाना है तो कितने कार्बन कर दें? 3 कार्बन कर दें। अब दूसरा रिएक्शन लिखिए, प्रोपीन ले लीजिए, फिर रिएक्शन डायरेक्टली करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन ले लिया, प्लस हमने डाला हाफ O2 प्लस 1/2 O2, फिर वही रिएजेंट डालिए PDCl2 पैलेडियम क्लोराइड एंड CuCl2 PDCl2 एंड CuCl2 गिविंग एसीटोन CH3 CO CH3, एसीटोन इज ऑब्टेंड। इसी से एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, यहां पे क्या कर दें, इथीन ले लें, बस 2 कार्बन कर दें तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, जितने कार्बन चाहिए उतने कार्बन यहां पे इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला करिए प्रिपरेशन नंबर फाइव, हेडिंग करिए बाई वाटर गैस, फिर एक्सप्लेनेशन पहले सुनिए, वाटर गैस क्या होता है, CO+H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, मिक्सचर ऑफ CO+H2, अलग से सेंटेंस लिखिए, मिक्सचर ऑफ CO+H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, CO+H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। फिर दूसरी खुशखबरी क्या है, कहीं भी वाटर गैस का नाम दिखाई पड़े तो खुश हो जाइए, पैसा बचेगा, क्यों? मैन्युफैक्चर में, जहां वाटर गैस बोले मतलब वो प्रोसेस मैन्युफैक्चर का है, बिकॉज इट इज अ चीप सब्सटेंस। कैसे चीप है? ऑल्दो इट इज नॉट चीप, बस खाली पढ़ने के लिए चीप है, नंबर लेने के लिए चीप है। कैसे बनाते हैं? बाई पासिंग स्टीम, तो पानी तो नगर निगम दे देता है, बाई पासिंग स्टीम थ्रू रेड हॉट कोक, बस कोयला लिया स्टीम पास किया तो वाटर गैस बन जाती है, इसलिए इसको चीप मानते हैं। कोयला भी तो महंगा हो गया है, कहाँ चीप है लेकिन मैन्युफैक्चर में आता है। तो वाटर गैस बनाने का तरीका एकदम आसान है, बाई पासिंग स्टीम थ्रू रेड हॉट कोक, बस ये वाटर गैस बन जाती है। अच्छा, प्लस इसमें आप एथिलीन डालते हैं, एथिलीन का फॉर्मूला, एथिलीन नहीं, वो तो एसिटिलीन हो गया ट्रिपल बॉन्ड, एथिलीन इथीन को कहते हैं, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, एथिलीन इज इट अ चीप सब्सटेंस, कैसे? एथिलीन इट इज अ हाइड्रोकार्बन, एल्कीन कहां से लाते होंगे? एल्केन से लाते हैं, एल्कीन डायरेक्टली हम कहीं नहीं, जितनी भी एल्कीन है भाई ये सब क्या है, ये प्लास्टिक जो है सारी एल्कीन से बनता है ना, सारी एल्कीन से, जितनी प्लास्टिक्स हैं, देखिए ये कंपनी का नाम है पॉलीप्रोपिलीन लिमिटेड,
पॉली प्रोपलीन लिमिटेड कंपनी का नाम है। प्रोपलीन समझ आ रहा, प्रोपलीन कौन सा कंपाउंड है, प्रोपलीन, प्रोपीन को प्रोपलीन कहते हैं कॉमन सिस्टम में। एल्कीन को आईपीसी में ईन कहते हैं और कॉमन में इलीन कहते हैं, बता चुके हैं इलीन। तो प्रोपलीन, एथिलीन, प्रोपलीन, ब्यूटलीन, पेंटलीन, इलीन लास्ट में आएगा तो एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी एक कंपाउंड के नाम पे कंपनी का नाम है पॉलीप्रोपिलीन लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, एक दो तरह की कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। इसमें लाइबिलिटी कम होती है और लिमिटेड की लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये भी इंफॉर्मेशन के मामले बड़े हो रहे हैं तो कहीं प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो उसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है बहुत कम होती है, यूजली 1 लाख की होती है। वो जब MOU साइन होता है या आर्टिकल बनाते हैं, मेमोरेंडम बनाते हैं, तो उसके लॉज में लिख के देना पड़ता है कि कितनी की लाइबिलिटी है आपकी, कि आपने कहीं से लोन लिया है, आपने 1 करोड़ का लोन उठा लिया और लाइबिलिटी आपकी 1 लाख की है, कंपनी लेके भाग गए आप। अब क्या होगा, कंपनी, इसलिए कंपनी बनाते हैं लोग, लेकिन अब मोदी जी ने बड़ा टाइट कर लिया उसको, बहुत टाइट कर लिया। जैसे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये संजय पांडे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी को 10 साल हो गया, 2013 में हमने इसे फॉर्म किया था तो 10 साल की ये कंपनी हो गई। इट इज ऑल्सो लाइक अ पर्सन, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन। तो अब इसमें क्या होता है, ये चलती है इनके डायरेक्टर से। ऐसे देखिए बहुत सारे कोचिंग वाले डायरेक्टर वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्टर ऐसे नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर होता है, ये नहीं कि आपने कोचिंग खोली और डायरेक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर ऐसे नहीं होता है, उसका हर साल ऑडिट होता है। जब आप MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कहते हैं इसको, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, आप MCA खाली गूगल पर डालेंगे MCA तो इसकी साइट खुल जाती है। तो इंडिया में जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं सबका आपको जन्मपत्री से मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा, कितने डायरेक्टर हैं, क्या शेयर होल्डर है, एड्रेस क्या, फ़ोन नंबर क्या, क्या उनका क्या, पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इस नाम से अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड करा लिया तो इस नाम से पूरे इंडिया में कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ये इसका एडवांटेज है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में इस नाम को कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप रजिस्टर करेंगे तो पहले वो चेक करता है, पहले यहाँ पे चेक करेंगे अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आप किसी पे, आप किसी का नाम आप यूज़ थोड़ी, रिलायंस, एक आप सोचिए कि रिलायंस के हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दें, नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है, वो एक्सेस ही नहीं देगा क्योंकि उसकी गुडविल है, लोग सोचेंगे तो रिलायंस की दूसरी ब्रांच खुल गई और आपने पब्लिक से पैसा रेज कर लिया रिलायंस के नाम पे और उसके बाद भाग गए लेकर के आप। और लाइबिलिटी कितनी की थी, 1 लाख रुपए के, आप 1 करोड़ का फंड रेज कर लिया बोरिया बिस्तर, क्योंकि किराए पे बिल्डिंग थी रातों रात लेके, होता है बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं ऐसे, कि पहले गुडविल बनाते हैं, पैसा इकट्ठा किया, रातों रात निकल गए, अब आए देखिए यार बोर्ड कहाँ गया बोर्ड समेत गोल हो गए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी गोल है बोर्ड भी गोल है, सब गोल है, फोन है कोई नहीं है, अब कहाँ पे कोई, जब खुला ही नहीं ऑफिस, रात को वो तो कनाडा पहुंच गए, रात में निकल लिया 10 करोड़ लेकर के, यहाँ क्या ज़रूरत है, फ्रॉड होता रहता है। तो अब अगर अलर्ट नहीं है तो बहुत सारे दिमाग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। चलिए हमने ये किया, अब ईन बोलते हैं IPC में और उसी को कॉमन सिस्टम में इलीन बोलते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, इसका नाम क्या था, CO+H2 वाटर गैस, इसमें क्या डाला, ये एथिलीन डाला। फिर मेरा क्वेश्चन था कि इज इट ऑल्सो अ चीप सब्सटेंस एथिलीन, आंसर इज यस, वाई, बिकॉज इट इज अ हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स आर यूजली ऑप्टेन फ्रॉम एल्केन, और एल्केन कैसे बनाते हैं तो ड्रिलिंग करके निकालते हैं, ऑल दो इट इज नॉट चीप, बट हाइड्रोकार्बन जहां भी आएगा तो एल्केन को चीप मान के चलते हैं,
इसीलिए इसको मैन्युफैक्चर में डाल दिया। तो यहां भी बहुत आसान था, वाटर गैस को किसके साथ, एथिलीन के साथ, खाली रिएक्शन लिखिए राइट, CO प्लस एच टू ब्रैकेट के अंदर CO प्लस एच टू प्लस एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन ऑन द एरो COO कैटलिस्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड C, ये तो एलिमेंट हो गया CO, कैपिटल C स्मॉल O एक एलिमेंट हो गया, फिर अलग से कैपिटल O ऑक्साइड COO कोबाल्ट ऑक्साइड बिलो द एरो 150 atm pressure एंड 180 degree C temperature देन ओनली वन प्रोडक्ट CH3 COCH3 एसीटोन इज ऑब्टेंड CH3 COCH3 देन नेक्स्ट बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नंबर सिक्स प्रिपरेशन, नंबर सिक्स हेडिंग करिए बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन एसिटिलीन बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।